हेलो एवरीवन, आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं इंस्टाग्राम पे जो आपने इतने सारे कार्सेज देखे हुए, इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस देखी हुई हैं, वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है तो हम एक बहुत ही शानदार सा कुछ इस प्रकार का कार्सेल आपको बनाना सिखा रहे होंगे आज की वीडियो में। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस हम एक फ्री टूल का भी यूज़ करने वाले हैं जो आपको प्रॉपरली कार्सेल्स काट के देगा। हम कैनवा में बनाने वाले हैं, सारा कुछ फ्री होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। यार, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर जैसे 5 पेजेस का कार्सेल बनाना है, हम लोगों की साइजिंग इस प्रकार रहेगी, कुछ जितने भी आपको पेजेस रहेंगे ना उतने हिसाब से आपको पिक्सल्स लेने पड़ेंगे। अभी मैं समझा देती हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे। जैसे आपको 4 पेजेस का बनाना है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, मतलब वैसे स्लाइड करके 4 बार आए तो वैसे वाला अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो आप क्या करोगे, 4000 पिक्सल और जो उसमें हाइट रहेगी वो 1000 पिक्सल्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप 5 पेजेस का बनाना चाहते हो तो 5000 पिक्सल्स और जो हाइट रहेगी वो 1000 पिक्सल्स। तो हाइट सेम रहेगी, जो उसकी विड्थ होगी ना वो बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंग टू द पेजेस। तो हर पेज जो है वो 1000 by 1000 का रहेगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स। ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर फटाफट से और देख लेते हैं कि हम लोग जो है कार्सेल्स कैसे बनाने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा कैनवा का स्क्रीन। यहाँ पर जो है आप यहाँ से भी जा सकते हो, हम क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे यार, और यहाँ पर आने के बाद आप कस्टम साइज पे क्लिक करोगे। यहाँ पिक्सल है तो हम अभी आज के वीडियो के लिए हम लोग सीख लेते हैं 4 पेजेस का बनाना। तो 4000 इंटू यहाँ पर मैं लिखूँगी 1000, ठीक है, और हम क्लिक कर देंगे क्रिएट अ डिज़ाइन पे। तो कुछ इस प्रकार का ऐसे लंबा सा आ जाएगा दोस्तों हमारे पास। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको इंस्टाग्राम पोस्ट। ओके, अब यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको गाइड्स मिलेंगी इस तरीके से। अगर नहीं मिल रही है तो आप फाइल्स पे जा सकते हो और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन कि आप यहाँ पे जाओगे व्यूअर सेटिंग पे, यहाँ पे आपको मिलेगा शो रूलर्स एंड गाइड्स, आपको इसको टिक मार्क कर देना है तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको इस तरीके के सब कुछ दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले की तो ज़रूरत नहीं है अभी हमें फिलहाल, तो हम नीचे वाले पे जाएंगे। तो हम पहला मार्क लगाएंगे 1000 के पास, दूसरा मार्क लगाएंगे हम 2000 के पास। ये हमें डिज़ाइनिंग करने में हेल्प करेगा, ऐसा कुछ नहीं। और बाकी कटिंग तो एकदम एग्जैक्टली हम करके देंगे आपको, पर उसके पहले भी हम आपको बता रहे हैं। और ये अगला लगेगा 3000 के पास। तो इस तरीके से हमारे पास 4 पेजेस आ जाएंगे दोस्तों। अभी मान लेते हैं मैं जो है कलर थीम कौन सी सिलेक्ट करूँ। आई गो टू स्टाइल्स और मैं यहाँ से एक कलर पैलेट चूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डार्क पर्पल वाला है, तो मैं यहाँ से यही वाला ले लेने की कोशिश करूँगी। तो हम ये वाला ही पैलेट लेंगे। ओके, तो अभी ये सब हटा देते हैं। वील गो टू कलर्स, हम जाएंगे पर्पल पे, ये वाला पर्पल ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, इसके बाद मुझे चाहिए इसमें एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन डालूंगी मैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। ओके, तो यहाँ पे आप आ जाओगे तो आपको काफ़ी सारी डिज़ाइंस मिलेंगी ऐसे देखने को, और वो एक पेज से दूसरे पेज तक जाती हुई आपको दिखानी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते, जैसे ये वाला डिज़ाइन हमने ले लिया, ठीक है, ये काफ़ी प्यारा सा है, ये ले लिया हमने, मान लो कि हमने ले लिया। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लगना चाहिए फर्स्ट पेज से सेकंड पेज गया है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कुछ हम डिज़ाइन करेंगे। पहले हम इसको यहाँ पे अरेंज कर देते हैं फर्स्ट पेज पे। ओके, इसको फिर हम सेकंड पेज पे भी मतलब इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हो आप इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम इसको थर्ड पेज पे भी लगाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये पूरा डिज़ाइन एक कॉमन हो गया और ये सब में है। ठीक है, ऑलराइट। अभी ये पीछे से बैकग्राउंड में भी हो सकता है, आप कैसे भी ले सकते हो। आप चाहो तो ये वाला भी ऐड कर सकते हो हल्का सा, चाहो तो इस तरीके से। ठीक है, इसको फ्लिप कर देती हूँ मैं, ऑलराइट, इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। अभी इस वाले डिज़ाइन के लिए मैं बिटमोजीज यूज़ करना चाहती हूँ, वो जो स्नैपचैट वाला है। हालांकि मेरे पास स्नैपचैट है नहीं, हम स्नैपचैट यूज़ नहीं करते हैं, पर मेरी सिस्टर के पास है तो हम उसके वाले का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे खुले हुए, इनको डिलीट करते हैं। आप जाओगे ऐप्स पे, ऐप्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा काफ़ी सारे ऑप्शंस, इमोजीज के भी हैं बाकी भी हैं, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा बिटमोजी, अब इस पर क्लिक कर दूँ तो मेरा पहले से कनेक्ट है, नहीं तो आपको आपके जो भी स्नैपचैट की आईडी होगी ना वो डालना पड़ेगा। ये मेरी बहन का है तो हमें ये मिल गया। ठीक है, अभी यहाँ से जो है हम एक हाई वाला सर्च कर लेते हैं, हाई ऐसे वाला, तो अभी हम उसका यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पसंद आया है, और यहाँ पर मैंने जो है शेडोज़ पे गई, यहाँ आउटलाइन पे गए, यहाँ से गए कलर्स के लिए और कर दिया उसको वाइट। ओके, ग्रेट, अभी आप देख सकते हो उस पर कलर पे जो है वो वाइट आ गया, यहाँ से हमने अपलोड कर लिया उसको। ओके, अभी हम एक और इमोजी अभी से ही ले लेते हैं, फिर बाद में बार बार करने में दिक्कत हो जाती है। बिट इमोजी पे जाओगे आप,
और एक बाय वाला देख लेते हैं, बाय, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, एडिट फोटो पे जाओ, यहाँ शेडोज पे जाओ, आउटलाइन पे जाओ, उसके बाद यहाँ पे आओगे आप, वाइट कलर कर दो पूरा, ओके। तो इस तरीके से ये बन गया। अब जो है टेक्स्ट की बारी आती है, हम जाएंगे टेक्स्ट के लिए इस तरीके से कुछ, और यहाँ पर जो है हम लोग कुछ तो भी टेक्स्ट ऐसे अच्छा सा टाइप कर देंगे, बड़ा सा फॉन्ट ले लेंगे, वाइट कलर रख देंगे, और यहाँ लिख देते हैं हाउ टू क्रिएट अमेजिंग डिज़ाइंस। ठीक है, मान लो यही हमारा हुक है। अब यहाँ पे आओ, इसको बढ़िया तरीके से एक तरफ पे अलाइन करेंगे हम, और इसको एक मिनट, अलाइन नहीं हुआ ये, ऐसे क्लिक कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको हम बड़ा कर देंगे, ठीक है, साइज़ को ऐसे, ये हमने इसे बड़ा कर दिया। अमेजिंग अमेजिंग, ये हल्का सा ब्लर हो गया है, हम इसको दोबारा अपलोड करेंगे ऐसे। ग्रेट, अभी एडिट फोटो पे जाएंगे वापस, शेडोज पे जाएंगे, आउटलाइन पे जाएंगे, वाइट कर देंगे, अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और ये वाला भी ब्लर है, ब्लर है, ये जब पूरा प्रॉपरली अपलोड नहीं होता ना तब ऐसे होता है, इसलिए उनको अपलोड हो जाने दिया करो, फिर किया करो, ठीक है। मैंने जल्दीबाजी की इसलिए ऐसे हुआ, दोबारा से करना पड़ रहा है ना। फिर यहाँ पे आओ, वाइट कर दो, बढ़िया। अभी इसके बाद जो है हम यहाँ पे टिप नंबर 1, टिप नंबर 2 करके लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दी है टिप 01, तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। इसके अंदर आपको जो भी लिखना हो, एक छोटा सा सैंस वाला फॉन्ट ले लेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सैंस, के लिए सैंस सर्च करते हैं, और लेट्स गो विथ अलीबाबा, ठीक है, इस पे जाते हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए हम गूगल पे जाते हैं और कोई भी रैंडम टेक्स्ट ले लेंगे, ये वाला ले लेते हैं, ये सब लोग यूज़ करते हैं, पता नहीं क्यों यूज़ करते हैं, मतलब उसकी स्पेसिंग वगैरह चेक करने के लिए लोग बाग यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, इतना ले लेते हैं, और इतने में हमारी काफ़ी टिप हो जाएगी। यहाँ से हमने इसे पेस्ट किया, यहाँ से जाओ, आपका इसका साइज़ कितना है, 60 कर लेते हैं, तो ये अगर 60 है तो हम इसको कर लेते हैं 20, ठीक है, और फिर हम इस तरीके से इसको अरेंज कर देंगे, और इसको पूरा इस स्क्वायर वाला फॉर्म देंगे ये, ठीक है, इस तरीके से। आप चाहो तो एरोज भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे गई, मैंने सर्च किया एरोज, एक मिनट, सर्च ही नहीं हो पाया, एरोज, ठीक है, ये वाले एरोज नहीं, दोबारा सर्च करना पड़ेगा एरो, अरे एक काम करो, डॉटेड एरो टाइप करते हैं, डॉटेड एरो, कभी कभी हो जाता है, जब वीडियो शूट करते हैं तभी नाटक करता है ये, डॉटेड एरो, ओके, तो हमारे पास ये आ गया, ये मुझे काफ़ी पसंद है, हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, और इसको फ्लिप कर देंगे, ओके, और इस तरीके से अरेंज करेंगे, छोटा कर देंगे थोड़ा सा, वो अभी ऐसे छोटू सा दिख रहा है, बाकी पोस्ट में बड़ा दिखेगा, ठीक है ना। अभी इसको सिमिलरली हम क्या करेंगे, अभी सेकेंड पेज पे आएंगे, टिप 2 टाइप कर देंगे, यहाँ आओ इस तरीके से, और यहाँ पर टिप 2 कर दो, इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करो, यहाँ लगा दो, कुछ हाँ लगाना हो वहाँ लगा दो, ठीक है, और इसमें भी एरो दे दो, इसमें इसके साथ क्यों ऐसे ज्यादती कर रहे हो आप, एरो दे दो, बड़ा सा एरो दे दो, कोई नहीं, टिप 2 एरो, और यहाँ से हम एक बॉक्स देख सकते हैं, बॉक्स, ठीक है, तो यहाँ से कोई अच्छा सा बॉक्स अगर आपको समझ में आए और आपको यूज़ करने की इच्छा हो तो आप जो है ये बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। यहाँ हम ऐसे करेंगे, इसको यूज़ कर ही लेते हैं, क्यों उसको बेचारे को छोड़ना है, थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनाना पड़ेगा, बस द थिंग इज इतना बड़ा, और यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे कुछ इस प्रकार से, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा यार, ठीक है, ओके, अच्छा लग रहा है अब, है ना। तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया है, और इसका कलर हम थोड़ा सा मैनेज कर देंगे,
टिप टू यहीं लिख दें क्या? टिप टू लिख दो, उसमें क्या क्रॉप करना है हो तो क्रॉप कर लो, अच्छा नहीं लग रहा हो तो क्रॉप कर देंगे, उसमें क्या है ये हटा देते हैं, ये बॉक्सेस की हटा दिया, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी इतना हो गया, इसको निकालो, इसको फॉरवर्ड करो पोजिशन एरो की, और अब इसको नीचे से क्यों देना, ऊपर से देना पड़ेगा, नहीं नीचे से देते हैं राइट, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यार इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे अरेंज कर दिया। ठीक है, इसका कलर हमें थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, कलर का ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब, यही कर देते हैं अभी येल्लो हल्का सा। ठीक है ओके, वो जा रहा है क्योंकि येल्लो है हमारे पास ऑलरेडी। इसके बाद आखिरी वाले पे हम बाय लिख सकते हैं, तो बाय और फॉलो का देख लेते हैं अगर होगा कुछ तो। बाय लेट्स यूज दिस वन, बाय बाय, फॉलो वालो का डाल देना यार आखिरी में, है ना, मैं नहीं डाल रही हूँ लेकिन आप डाल देना। अभी हो गया, अभी इसको हम डाउनलोड कर लेंगे पीएनजी में, यहाँ आओ और पीएनजी में डाउनलोड कर लो। ठीक है, अभी ये डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद जाना आप यहाँ पर सोशल बुटीक पे, सोशल बुटीक ओके। अब जैसे इस पे जाओगे आपको ये मिल जाएगा, हम यहाँ क्लिक कर देंगे ग्रिड मेकर पे, आप ग्रिड मेकर पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा अपलोड एन इमेज का, ये आ गया, हम अपलोड एन इमेज करेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट कर लो, ये आ गया। ठीक है, अभी वो पूछे आपको कितने कट्स लगाने, तो हम बोलेंगे चार, तो आप चार कट्स का बोलोगे और उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे कार्सिल, और उसके बाद जो है हम चार कट का उसको बोल देंगे, सिलेक्ट कर लिया हमने इमेज, और उसके बाद आप जो है स्प्लिट इमेज कर लो। ठीक है, तो आपके पास जो पीसेस है ना उसके रेडी होके आ जाएंगे। अभी वो बना रहा है, वेट अ सेकेंड, वी आर क्रिएटिंग योर इमेज, तो वी विल वेट फॉर अ सेकेंड, सेकेंड से ज़्यादा हो चुका है पर हमें फिर भी वेट करना होगा, इट्स टेकिंग टाइम, आई डोंट नो व्हाई, जब जब वीडियो बनाओ ना तब तब ऐसे होता है। अभी आ गया है, ठीक है, फर्स्ट को डाउनलोड करो, सेकेंड को करो, थर्ड को करो और फोर्थ को करो। ठीक है, अभी ये जैसे जैसे खोलोगे ये हमारे पेजेस बन के तैयार हो गए, ये फर्स्ट पेज होगा आपके इंस्टाग्राम पोस्ट का, ये फर्स्ट पेज, उससे जुड़ा हुआ सेकेंड पेज, एकदम ये ऐसे लाइन से चलेगा। मैं एक बार फ़ोन में आपको अपलोड करके और उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग आखिर में अटैच कर देंगे कि आखिरकार वो दिखेगा कैसे। तो इस तरीके से जो है इसको डाउनलोड करना होता है दोस्तों, बस इतना ही करना होता है। इस तरीके से हमने आज की वीडियो में सीख लिया है कि आप कैसे कार्सल्स बना सकते हो। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ ब्लू हार्ट और अ पर्पल हार्ट, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो, आपको पता ही है क्या करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।